कॉलेज के सामने वाला वो बरगद का पेड़। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी एक घटना जरूर होती है जिसे वो अपने जीवन में सबसे बुरा समय मानता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई हमेशा उन परिस्थितियों में मदद के लिए पहुंच जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना का उल्लेख करने जा रहा हूं। ये घटना मेरी मौसी के बेटे जिनका नाम अजय है उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है। जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे तब मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के पास होटल में रहती थी। भैया के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे, वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगजीन कॉर्नर के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान थी और न्यूज़पेपर के कानपुर में सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौभ्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना के अपने पोते को करते थे। हेल्थ में रहने के कारण वो लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचों में खेलने आया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज के जैसे ही एक दिन चल रहे थे, दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियों चल रही थी। दोनों भैया उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने अजय भैया को पीछे बैठा रखा था और वो दोनों वहीं मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल जो कि पहचान के थे उनसे कुछ बात करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर अजय भैया अभी भी बैठे थे। अभी 5 मिनट ही होंगे कि अचानक अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वो अंकल और बड़े भैया उनके पास आए और उन्हें उठाया मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों सोचे कि शायद संतुलन खोने की वजह से गिर गया होगा और वह उन्हें उठाकर घर ले आए। घर आने पर मौसी जी उनके मुंह पर पानी वगैरह का छिड़का मारा और उन्हें कोई होश नहीं आ रहा था। अचानक उनके सांसें उखड़ने सी लगी और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अजय अजय सब पास 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 उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेडिकल कॉलेज पास ही था इसलिए बिना देर किए वहाँ मौजूद सब लोग, वो अंकल, मौसी और मौसा जी भी भैया को लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुंचे। डॉक्टर ने सारी बात पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच के लिए लग गए। सर पर कोई चोट नहीं लगी थी और ना ही शरीर पर कोई छोटी खरोचों के सिवा कुछ और बड़ा जख्म दिखा। सांसें फिर उसे उखड़ने सी लगी और डॉक्टर को ऑक्सीजन देने में मास्क लगा दिया। सांसें फिर से कोई खास काबू में नहीं आई, थोड़ी थोड़ी देर में उखड़ने लगती और फिर जब प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टरों को बेहोशी की वजह का कोई पता नहीं चल रहा था इसलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया, वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कहीं से कोई भी खराबी नहीं दिखी। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी से बोल दिया कि आज़ाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर के दुकान में बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुँच गए। वहाँ सब उन्हें जानते थे इसलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों से अवगत कराते हुए उन्हें भैया के पास ले गए। हालत काफ़ी नाजुक बताकर 4-5 डॉक्टर लगातार निगरानी में लगे थे। दिल की धड़कन मशीन में अपनी सीमा पर पहुंचने लगी थी और मशीन की आवाज़ ने हालत में आ करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। अब तक मेरे मामा जी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दादाजी रिसेप्शन के पास गए और
अपने पहचान के डॉक्टर को फोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहां पर 5 डॉक्टर और आ गए, और जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दादाजी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई, वो उन्होंने ध्यान से सुना और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को रखा हो गया था। उनका दरवाजा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाजा खोलकर प्रोफेसर को देखते ही कहा कि सर कोई फायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। हालांकि ये बात उसने धीरे से कही, लेकिन दादाजी ने ये बात सुन ली और घबराकर तेज तेज से रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला, और फिर उनमें से एक प्रोफेसर जिन्हें सब प्रोफेसर त्यागी के नाम से जानते थे, उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा और उनके साथ बाकी के 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टरों के साथ चले गए। और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा रहे थे कि प्रोफेसर को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब तक मौसा जी और मामा जी ने घर भेज दिया था, वरना ना जाने उनकी क्या हालत होती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहां मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थी। देखो धड़कन चली क्या, ठीक से यहां दबाव बनाओ, अब बताओ पैरों को देखो हिलते हैं या नहीं, जान है जान है, देखो थोड़ा हिल सकता है इसका हाथ। इस तरह की आवाजें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थी। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और करीब 10 मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। किसी ने उन्होंने की आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आए और बताया कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आजाद जी, बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली थी, मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी इस बात से बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट और एक्सरे सामान्य है तो फिर इतनी सीरियस हालत की वजह क्या है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से भी कही कि हम अभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है उसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है और ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सब बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिमाग का चलना भी रोक दिया। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किसके पास जाएं। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेखबर दादाजी, मौसा जी और मामा जी हॉस्पिटल में ही जमे हुए थे। मोबाइल का तब जमाना नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे ही फैल रही थी। रात गुजरती जा रही थी, घर से आया हुआ खाना जस का तस रखा था, मगर किसी के खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को घर भेजकर मामा जी और मौसा जी ही केवल हॉस्पिटल में रुके थे और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय की खबर ले रहे थे। भैया की हालत वैसे ही बनी हुई थी, कोई होश नहीं था उन्हें। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए। वो सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि ना जाने क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तभी पीछे से आवाज़ आई, काका भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मन्नीलाल कैसे हो, हम तो ठीक हैं, आप बताइए इतनी रात को और यहाँ कैसे। उन्होंने मामा जी से पूछा, मामा जी ने शुरू से आखिरी तक सारी बात बताई। इतना कुछ हो गया हमें बताया भी नहीं, हम तो यहीं हैं ड्यूटी पर, बस पीछे मुर्दा घर में है। उन्होंने मामा जी की परेशानी समझते हुए कहा, क्या बताइए भैया, सुबह से तो खाने पीने का भी होश नहीं है, घर पर दीदी भी बेहाल पड़ी हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और क्या होगा। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा दुख नम आँखों से उनके सामने रख दिया। भैया परेशान ना हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ, सवेरा होते ही
बस हम अपना झोला ले आए, फिर देखते हैं कहीं कोई बात तो है नहीं। उन्होंने मामा जी से कहा, देखो भैया जैसा बन पड़े करो, बस ये ठीक हो जाए। मामा जी ने उनसे नाउमीदी से कहा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बात की और वापस आकर मामा जी वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गए। जस के तह रहकर किसी तरह से दोनों ने वहीं पर रात गुजार दी। रात भर भैया में कोई बदलाव ना देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से अलग एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दादाजी और मौसी जी भी आई और रोते बिलखते किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसी जी के साथ घर चली गई। मामा जी ने दादाजी मन्नीलाल के बारे में बताया और उनकी इजाजत मांगी। उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस तंत्र मंत्र पर कभी विश्वास नहीं करते थे उसे भी इजाजत दे दी, शायद कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी भी घर गए और जल्दी से जल्दी नहा धोकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें मन्नीलाल से जो मिलना था। खैर मन्नीलाल को आने में देरी हुई, वो 6 बजे की बजाय 7:30 बजे आए, मगर उनकी आने में देरी को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतजार में थे और उनके आते ही सीधा वार्ड की तरफ बढ़ गए, जहां भैया को डॉक्टरों ने रखा था। मामा आराम से जाकर अंदर दादाजी से बताने लगे कि जिनके बारे में बताया था वो आ गए हैं, लेकिन ये क्या वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने को इशारा किया, मगर फिर भी वहीं खड़े रहे। अंदर आने की कोशिश करते और फिर से वहीं खड़े हो जाते। ये देखकर मामा जी को अजीब लगा और मामा जी ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? काका भैया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है कि हम खुद को जिस विद्या से बांधे हैं उसके साथ हम इस कमरे में घुस ही नहीं सकते। उन्होंने थोड़ी सी माथे पर चिंता की लकीरें उभर कर कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या करें और क्या होगा। तो ये था हमारी बरगद के पेड़ की कहानी का पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए बने रहे चैनल में। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दें, ताकि ऐसी ढेर सारी मनोरंजक कहानियां हम आप तक लाते रहें सबसे पहले। मिलते हैं फिर अगली कहानी में इसका पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।